चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने से पूरा देश खुश है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने सिर्फ 615 करोड़ रुपए में इसे सफल बना दिया है। दुनिया यही सोच रही है कि आखिर इतने कम बजट में ये कैसे संभव हो पाया, जबकि भारत में फिल्मों का बजट भी इससे ज़्यादा ही रहता है। वहीं दूसरी ओर शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स लगभग उन सभी शेयरों में हजारों करोड़ रुपए का खुलकर निवेश कर रहे हैं जिनका एयरोस्पेस से कुछ न कुछ लेना देना है। जानकारी सामने आई है कि पहले 4 कारोबारी दिनों में 13 स्पेस बेस्ड शेयरों के ग्रुप का ज्वाइंट मार्केट कैप करीब 31,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लिए इसरो को मॉड्यूल और सिस्टम की सप्लाई करने वाली स्मॉल कैप कंपनी के सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में इस हफ्ते 26% का इजाफा देखने को मिला है। इस हफ्ते अवंटेल, लिंडे इंडिया, पारस डिफेंस और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयरों में भी डबल डिजिट की तेज़ी देखी गई है। वहीं अगर बात गोदरेज इंडस्ट्रीज के शेयरों की करें तो 8% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। चंद्रयान 3 में भूमिका निभाने वाली कंपनियों की लिस्ट की बात करें तो L&T चंद्रमा मिशन में सब सिस्टम के निर्माण से लेकर मिशन ट्रैकिंग तक शामिल थी। इसके अलावा डिफेंस PSU मिश्र धातु निगम ने 3 फेज वाले भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन LVM-3M-4 के लिए सामग्री की सप्लाई की। PTC इंडस्ट्रीज ने पंप इंटर स्टेज हाउसिंग की सप्लाई की और MTAR विकास इंजन और टर्बो पंप और बूस्टर पंप समेत क्रायोजेनिक इंजन सब सिस्टम जैसे इक्विपमेंट की सप्लाई की है। पारस ने चंद्रयान 3 के लिए नेविगेशन सिस्टम की सप्लाई की, जबकि PSU भेल ने टाइटेनियम टैंक और बैटरी की सप्लाई की। इसमें से कई भारतीय कंपनियां $447 अरब के ग्लोबल स्पेस मार्केट में दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इन कंपनियों के स्टॉक मजबूत हुए हैं, साथ ही इनके ऑर्डर भी काफ़ी मजबूत हुए हैं। आपको बता दें कि इसरो ने ताज़ा अपडेट दिया है कि चंद्रयान 3 का रोवर यानी प्रज्ञान लैंडर से बाहर आने के बाद चांद की सतह पर करीब 8 मीटर यानी 26.24 फीट चल चुका है। ये खुशखबरी इसरो ने ट्वीट कर दी है। इसरो ने यह भी बताया है कि रोवर, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की सेहत ठीक है, सभी के पेलोड्स यानी उनके अंदर लगे यंत्र सही सलामत काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के रोवर का कुल वजन 26 किलोग्राम है। यह 3 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 2.8 फीट ऊंचा है। यह 6 पहियों पर चलता है। कम से कम 500 मीटर यानी 1600 फीट चांद की सतह पर जा सकता है। इसकी स्पीड 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। यह अगले 13 दिनों तक चांद की सतह पर तब तक काम करता रहेगा जब तक इसे सूर्य की रोशनी से ऊर्जा मिलती रहेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।